दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी के न्यू अप्रूवल की, और वो अप्रूवल क्या है, क्या हम आप सभी लोगों को फायदा मिलने वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है, ऑनलाइन चाहे वो स्कूलिंग हो या फिर ऑनलाइन चाहे कॉलेजेस की कुछ डिग्रीज हो, वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आप देखेंगे जामिया में या फिर आप अलीगढ़ में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन लॉन्च हो चुके हैं और लोग कर रहे हैं। बट यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा अपडेट की बात करनी है। अपडेट क्या है, यूजीसी ने कितने कोर्सेज को ऑनलाइन करने की मंजूरी दी है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप इस आंकड़े को अगर सुनेंगे तो हैचिंग रह जाएंगे कि वाकई में अगर इतने कोर्सेज ऑनलाइन अगर हमको मिलने लगे तो हम घर बैठे इन कोर्सेज की पढ़ाई करके और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आखिर वो कौन से कोर्सेज हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है लेकिन सबके नेम यहाँ पर मैंशन नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको गूगल करके और डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। तो कितने कोर्सेज हैं जिनको यूजीसी ने ऑनलाइन करने के लिए मंजूरी दी है, तो उस पर हम बात करेंगे। वो आपके कोर्सेज हैं 1247, यानी कि लगभग 1250 कोर्सेज। आप याद करें कितना बड़ा ये फिगर है, 1250 कोर्सेज अब आपको ऑनलाइन करने का मौका मिल रहा है। और इनमें से जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको करके आप करियर बना सकते हैं। अगर बात यह आती है कि डिफरेंट सेगमेंट में इन कोर्सेज को लॉन्च किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी को इन कोर्सेज को दिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे नॉन इंजीनियरिंग में, चाहे वो यूजी या पीजी के नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में। तो कितने कोर्सेज हैं याद रखिएगा, 154 कोर्सेज को मान्यता मिली है, यानी मंजूरी मिल चुकी है। इतने कोर्सेज आप नॉन जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है, जैसे बीए हो गया आपका, बीएससी है इनको करके, या बीबीए है, बीसीए है इनको करके आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में यूजी और पीजी, तो आपकी है 743 कोर्सेज, यानी 753 कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन घर बैठे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कॉलेज को अटेंड करने के लिए आपको किसी भी तरीके का प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पर बात करें इग्नू की, आपको पता है इग्नू एक बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो अपने आप में बहुत सारे ओपन कोर्सेज को लॉन्च कर रही है और रन करा रही है। यहाँ पर यूजीसी ने जो अप्रूवल दिया है इग्नू को, वो क्या है, वो है आपके 225 कोर्सेज, यानी कि 225 कोर्स इग्नू न्यू कोर्सेज को लॉन्च करेगी इसी साल 2024 में। 2024 में जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट होंगे, मई में इनका एग्जाम होना है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे IIM की, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज है, उसमें 63 कोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। उसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज या फिर बैचलर कोर्सेज इंक्लूडेड है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरह अगर हम बात करें तो 18 कोर्सेज को इन्होंने उसमें मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा क्राइटेरिया, यानी अच्छा फिगर है जिसमें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टीचर ट्रेनिंग के कुछ कोर्सेज हैं, वहाँ पर है 40 कोर्सेज। तो उन 40 कोर्सेज में से जो आपको लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपको सुटेबल लग रहा है, उसको करके आप कैरियर बना सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, जब आप ऑनलाइन कोई कोर्स करेंगे तो आपकी मार्कशीट पे जो सर्टिफिकेट की हो या डिप्लोमा हो, उस पर आपको क्रेडिट मिलने वाले हैं, या आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो क्रेडिट के तौर पर आपको दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 2024 में ऑनलाइन, एग्जाम याद रखिएगा मई में एग्जाम होने वाले हैं, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी, देखिए BHU का नाम आप याद रखिएगा, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी है आपकी, वहाँ से आप देख सकते हैं पटियाला में, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का है वो आप एक ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली की है, वहाँ देख सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी है आपकी, एम्स है, या फिर आपकी दून यूनिवर्सिटी है, या बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी हैं जो इन कोर्सेज को लॉन्च करेंगी जनवरी 2024 में। अगर आप भी ऑनलाइन कोर्सेज की तलाश में हैं तो इन यूनिवर्सिटी में, किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके और अपने कोर्सेज को आप करा सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, और उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, नया अपडेट है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।